बैक टू माय चैनल रसोई ज्ञान। मैं हूँ श्रद्धा। आज मैं आपको बताऊंगी अपने घर पर आलू चॉप कैसे बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ रश्मि। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू चॉप। सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद उसे छील लेंगे। उसके बाद सारे आलू को मैश कर लेंगे। उसके बाद हम गर्म कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैं सालों में 1.5 चम्मच जीरा धनिया पाउडर छिड़क लेंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम गर्म तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब मैंने 2 प्याज को बारीक काट के तेल में डाल दिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम सारी चीजों को फ्राई कर लेंगे। अब मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना के मसाले में डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद मैश आलू को इन मसालों में डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। आइए अब हम बेसन का घोल तैयार करते हैं। इसके लिए हम 2 चम्मच चने का बेसन लेंगे। इसके बाद 1/4 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, नमक और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला हो। अब मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी ताकि मेरी टिक्की परफेक्ट शेप में बने। अब मैंने आलू मसाला जो तैयार किया है उसकी छोटी छोटी टिक्की बना के बेसन में डाल दूंगी। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं आलू टिक्की को बेसन में डिप करके गर्म तेल में डालूंगी। अब मैं अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लूंगी। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब मैं उसे निकाल लूंगी। ये देखिए, हमारा आलू चॉप तैयार हो चुका है। इसके साथ मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है। आप चाहें तो कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मूंगफली की चटनी की रेसिपी जाननी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये रेसिपी लेके आऊँगी। इट्स सो मच टेस्टी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो रसोई ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।